देश भर की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे यानी कि 9 अप्रैल को देश भर में कोरोना के 5,880 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 12 मरीजों की मौत हुई है, जबकि पॉजिटिविटी रेट 6.91% पहुंच गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर रोजाना पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा हो तो माना जाता है कि संक्रमण बेकाबू हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आपको लगा टीका कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ कारगर होगा। वर्तमान में भारत से लेकर पूरी दुनिया में जितनी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, सारी वो वैक्सीन हैं जिन्हें कोविड के मूल वेरिएंट के खिलाफ विकसित किया गया था। ऐसे में जब वायरस बदल रहा है तो क्या वैक्सीन को भी बदलने की जरूरत है? दरअसल कोई भी वैक्सीन शरीर में दो तरह के एंटीबॉडी को लेयर बनाता है। पहला लेयर शरीर में बी कोशिकाओं की मदद से एंटीबॉडी तैयार करता है। ये एक तरह का श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। ये एंटीबॉडी शरीर में वायरस के सीधे हमले से लड़ने में मदद करती है। वहीं दूसरा लेयर टी सेल बनाता है। टी कोशिकाएं एक अन्य प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। इनकी शरीर में कई भूमिकाएं होती हैं, जिनमें से एक है शरीर के अंदर वायरस के संक्रमण को नष्ट करना। वैक्सीन से उत्पन्न ये दोनों लेयर विशेष मेमोरी सेल्स को भी जन्म देती हैं, जो शरीर में जमा हो जाते हैं और भविष्य में किसी वायरस से लड़ने का काम करते हैं। टीकाकरण के तुरंत बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडी का स्तर बढ़ जाता है, जो किसी भी वायरस से लड़ने के लिए पर्याप्त है। लेकिन वैक्सीनेशन के 3 महीने बाद ताज़ा बने एंटीबॉडी का स्तर गिरना शुरू हो जाता है और बीतते समय के साथ ही ये बहुत कम रह जाता है, जो शरीर को संक्रमण से भी नहीं बचा सकता। क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी हो सकते हैं नए वेरिएंट से संक्रमित? वैक्सीन के एंटीबॉडी का स्तर धीरे धीरे शरीर से खत्म हो जाता है। यही कारण है कि ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट XBB.1.16 उन लोगों को भी संक्रमित कर सकता है जिन्होंने कोरोना के वैक्सीन लगवा ली है। कोरोना वैक्सीन और कोरोना वायरस से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।